साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज सीधे महाराष्ट्र की बात करते हैं। पवार का पावर या पावर से पवार, दोनों कंफ्यूजन का मामला। इन दिनों महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान और बड़ा उथल फेर हो रहा है। इसके पहले महाराष्ट्र में ही बवाल हुआ था, शिवसेना जैसे दो फाड़ हुई थी, उसी तरीके से आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी दो फाड़ होके चल रही है और दोनों लगातार असली होने का दावा भी करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा शिवसेना के साथ जो कुछ भी हुआ। एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ते हैं, नई शिवसेना बनाते हैं और दावा करते हैं मैं शिवसेना। उद्धव ठाकरे भी कहते हैं मेरा शिवसेना। वर्चस्व की लड़ाई तो बाद की बात है। पहले मंत्री पद मुख्यमंत्री पद आया, क्योंकि सत्ता में रहने वाला नेता ही मलाई खाएगा, सत्ता प्रोटोकॉल में रहेगा और सारी व्यवस्थाओं को देख पाएगा, अपनी पार्टी को सींच पाएगा। आज वही शरद पवार के साथ हुआ। शरद पवार के साथ तो पहले हो जाता, क्योंकि आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे उस समय पहले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाया गया था। वो तोड़फोड़ तभी संभव थी, तभी हो रही थी, लेकिन शरद पवार का शिकंजा लगातार उस समय कसा था, नकेल थी। इस वजह से अजीत पवार को त्याग पत्र देकर फिर से शिवसेना के लिए आना पड़ा। अजीत पवार में तड़प थी कि डिप्टी सीएम पद से वो हटाए गए, इसलिए उन्हें फिर से डिप्टी सीएम, क्योंकि प्रोटोकॉल चाहिए, प्रोटोकॉल के तहत सारी बातें होती है। अब सोचने वाली बात यह है, ये तो विधायक होने के बाद का नौटंकी का मामला है, ड्रामा है, सारी बातें। अब जब ये सरकार खुद जनता के बीच में चुनाव के लिए जाएगी तब क्या होगा, क्योंकि जनता ने ये नौटंकी नहीं किया है। शिवसेना दो फाड़ हुई, असली शिवसेना किसकी, शिंदे की या उद्धव ठाकरे की, ये जनता ने नहीं तय किया है। अब शरद पवार और अजीत पवार के बीच में असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी किसकी, अजीत पवार की या शरद पवार की, ये ठीक उसी तरह कोर्ट में मामला जाने वाला है। कोर्ट प्रोटोकॉल में रह रहे नेताओं की बात को सुनते हुए सही में मान लेगा कि एनसीपी अजीत पवार की। अब अपनी ही पार्टी, अपनी पार्टी के संस्थापक नेता होने के बाद शरद पवार बेदखल हो गए हैं जनता के बीच में। शरद पवार के साथ में उद्धव ठाकरे बेदखल हो गए, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये तस्वीरें तभी भी साफ। आज विरोधी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सिंधिया कराया बीजेपी का है। बीजेपी वाले वही खुले मन से एनडीए में और पार्टियों के सम्मिलित होने की बात करते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अभी केंद्रीय मंत्रियों की क्लास ली, उसमें उन्होंने बताया कि अब 2047 को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ना है आपको, 2024 नहीं। उनका इशारा शायद बीच में पीएफआई को लेके रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक कंट्री बनाने की बात 2047 तक की। वहां से वापस आते हैं और हम बीजेपी की बात करते हैं। आज कपिल सिब्बल ने भी आरोप लगाया है ट्वीट करके कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, तमाम जगहों की सरकारों को गिराने में उसने महती भूमिका निभाई। लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट ने तो बता ही दिया है कि बीजेपी को नापसंद किया गया। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मामला बनता नजर आ रहा है, क्योंकि तोड़फोड़ जनता ने नहीं करवाया है, तोड़फोड़ विधायकों का हुआ है, सत्ता के लिए हुआ है, सत्ता की मलाई के लिए। अभी तो विधायकों के बीच में सत्ता और विपक्ष की बात है, प्रोटोकॉल की बात है, उप मुख्यमंत्री पद की बात है, कैबिनेट मंत्री के पद की बात है, केंद्र में साझेदारी की बात है। लेकिन ये जब जनता के बीच जाएगा मामला, तब खुद जनता तय करेगी असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, क्या बीजेपी के साथ लोगों को रहना चाहिए, क्या बीजेपी ने विश्वासघात किया है सत्ता के लिए, इसका भी जवाब जनता के पास होगा। शरद पवार ने कभी एनसीपी बनाया था कांग्रेस को तोड़ के, इसकी भी एक कहानी है, पॉलिटिकल किस्से सीरीज में वो वीडियो आप देख पाएंगे।
आई बटन में। हमारी पत्रकारिता अनमोल है, अनवरत चले, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, जन सरोकार की पत्रकारिता के लिए आज ही सपोर्ट में है। सखा साथी संरक्षक के तौर पर हमें ज्वाइन करें, यूट्यूब पे हमें ज्वाइन बटन भी मिल जाए, उसके साथ आए, हमें सहयोग करें, समर्थन करें। इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि लोग भी इस तरीके की वीडियोस को देख पाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहिए और ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।